हे गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोज वेल आर न्यू, हाय माय नेम इज़ मनीषा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट एवर मीशो हॉल शेयर करने वाली हूँ, जो कि है मीशो टॉप हॉल अंडर 200 रुपीज़। तो मीशो क्या है? मीशो ऐसा और शॉपिंग वेबसाइट है जहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, प्लस आप रीसेलिंग भी कर सकते हैं। पर लिंक नहीं होते, मीशो पर कोड्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ जो भी टॉप शेयर करने वाली हूँ, उन सबके कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और स्क्रीन पर भी मिल जाएंगे, और आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं उन कोड्स के थ्रू। तो बिना किसी देर के चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर मेक श्योर, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आती है तो, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बिना किसी देर के चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट टॉप इज दिस ऑरेंज टॉप। ये कुछ ऐसा सा है, और इस टॉप में ना बेल्ट भी थी, बट मुझे बेल्ट रिसीव नहीं हुई। प्लस ये जो फैब्रिक है ना, बहुत 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 ही सॉफ्ट फैब्रिक है। आई थिंक ये क्रीप है, बट इन्होंने मेंशन किया है कि ये पॉलिएस्टर है, बट मुझे पॉलिएस्टर लग नहीं रहा है। और मुझे लगा था, जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे लगा था ये सी थ्रू है, बट ये सी थ्रू नहीं है। पहनने के बाद ये और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है जो मुझे रिसीव हुआ है वो है 150 रुपीज़। और मीशो पे जो चार्जेस हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे लगा नहीं था ये इतना अच्छा आएगा, बट और इसकी जो स्लीव्स है वो 3/4 स्लीव्स है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको बगल में आपको शो हो रहा होगा कि कितना प्यारा लग रहा है पहनने के बाद, और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, बट आप ट्राई करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अंडर 200 रुपीज़। अच्छा है ये। सो द सेकेंड टॉप इज दिस, और ये नियॉन और ब्लैक कलर में है। दिस इज़ काइंड ऑफ अ टी शर्ट, और ये यहाँ पर से ब्लैक है। और मुझे इस टॉप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बिकॉज मुझे एक तो इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था, और प्लस गर्मियाँ आ चुकी हैं तो उसके हिसाब से ये टॉप बेस्ट होने वाला था, बट इसने मुझे इतना डिसअपॉइंट किया। ये इसमें मैंने साइज़ पिक किया है M, और उसका साइज़ था मेरा XS। और इसकी जो सबसे मुझे ख़राब चीज़ लगी वो थी इसकी क्वालिटी, बिकॉज ये जो नियॉन वाला फैब्रिक है ना, ये सी थ्रू है। आप कोई ब्लैक कलर का टॉप वगैरह अगर वेयर नहीं करते हो तो ये सी थ्रू है, कोई फ़ायदा नहीं इसको पहनने का। बट जो ये ब्लैक वाला मटेरियल है ना, ये ज़्यादा अच्छा है। ये नियॉन वाले की मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। बट ओवरऑल प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक ठाक ही है, और इससे ज़्यादा क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट क्वालिटी मैटर करती है। तो इसका जो प्राइस है आई थिंक 160 या 165 रुपीज़ है। तो दिस इज़ द सेकेंड टॉप। द थर्ड वन इज़, इससे भी मुझे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, और ये इसने मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा और बात करके रख दिया। तो दिस इज़ द थर्ड टॉप। तो आप इसकी स्लीव्स देख सकते हैं, मैं इमेज भी आपको शो कर रही हूँ कि किस टाइप का मुझे इमेज देख करके इसको लेने का मन हुआ था। और इसकी स्लीव्स के ही वजह से मैंने इसे लिया था, और इसका प्रिंट इतना ब्यूटीफुल है ना, इतना प्यारा प्रिंट है इसका, इसी वजह से मैंने इसे परचेज़ किया। बट द फैब्रिक क्वालिटी इज़ वेरी लो, लाइक ये सी थ्रू भी है, और इतना लाइट वेट, इतना मटेरियल इसका बहुत ही बेकार मटेरियल है। और अगर जैसे मैं पहले वाले की बात करूँ, उस ऑरेंज वाले टॉप की, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही वर्स्ट है। मतलब मैंने इतना वर्स्ट भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लग रहा था थोड़ा बहुत क्वालिटी में डिफेक्ट हो सकता है, बट इतना ज़्यादा नहीं। और आई थिंक ये मुझे 196 के अराउंड पड़ा है। सबसे महंगा यही मुझे मिला है, और सबसे डिसअपॉइंट भी मुझे इसी ने किया है। और इसमें मैंने जो साइज़ अपना मंगाया है वो है मीडियम। मैंने एक और टॉप ऑर्डर किया था, बट वो अभी तक आया नहीं है, वो डिले है, तो मैं डेफिनेटली उसको कैंसिल करने वाली हूँ, क्योंकि इतने टॉप में मुझे क्वालिटी इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है।
ये था आज का मीशो हॉल। आई होप पसंद आया होगा आपको, और क्वालिटी वाइज भी आप अब चेक कर सकते हैं। अगर लेने की सोच रहे हैं, आप मीशो से शॉपिंग करना चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो से देख चुके होंगे कि किस टाइप की क्वालिटी आपको मिलती है। और ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों की क्वालिटी इतनी बेकार होती है। मैंने और भी बहुत चीज़ें ऑर्डर करी है और वो बहुत अच्छी निकली हैं मीशो पे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो आने से पहले मैं वहाँ पर रील्स अपलोड कर देती हूँ, तो वहाँ पर आपको और जल्दी पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो अगर आपको पसंद आया है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए तक चैनल को। और कौन सा टॉप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो भी मुझे बता दीजिए कमेंट में। आप इसी तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।